क्या नहीं है, पहले के बार त्योहार क्या थे, आज के बार त्योहार क्या है, पहले पूजा पाठ करने का ढंग क्या था सजनों, आज पूजा पाठ करने का ढंग क्या है, पहले का जमींदारा क्या था और आज का जमींदारा क्या है, सुनिए एक भजन के द्वारा एक रागिनी के द्वारा क्या बताया जी। आइए बदलाव बताया कि ऊंचा डाला पिपल का कदे झूल गलिया करती, पता नहीं कहां गया वो पिपल, काट दिया वो डाला, चली गई वह झूल तो चली गई वह झूलनाली। पहले एक एक महीने पहले झूले डल जाते थे पेटों के ऊपर, पता चल जाता था कि भी आने वाला तीज का त्योहार इतने तारीख का है, एक एक महीने पहले टप बजने शुरू हो जाते थे होलियों के, धमाल गहनी शुरू हो जाती थी, पता चल जाता था कि भी आने वाला होली का त्योहार इतने तारीख का है। आजकल दिन की दिन जिस दिन होली आ जाएगी उस दिन टपकी है, होली आ गई टप क्या पावेगा, पता नहीं चलता कि कब होली आई, कब दिवाली आई और कब तीज आई। और 52 गज के ब्राह्मण की कदे झोल पड़िया करती, पहली बात ईसा कोई दर्जी नहीं जो 52 गज का दमन सीम देगा, अगर उसने कैसे न कैसे करके सीम भी दिया तो ईसा कोई टोपी नहीं जो उसको पर प्रेस कर दे, अगर उसने प्रेस करके तैयार भी कर दिया तो इसी कोई बाण बेटी नहीं जो 52 गज का दमन पैर दे, क्यों, क्योंकि 52 किलो आजकल की बाण बेटी हम वजन नहीं जी, कितने 52 गज का दमन पैर। बहुत ही प्यारा बदलाव है, एक एक बात सुनने की है, आइए क्या बताया जी। अरे ऊंचा डाला पिपल का कद झूल गला करती, ऊंचा डाला पिपल का कद झूल गला करती, Thank you.
आसरे में घी पूरा की गलिया रोटी पानी रे बस अड्डे पचड़ाया करती कर बगैर कपाणी रे पहले ससुराल में जाया करते उसकी इज्जत दिया करते बटियों की उसको घी और खंड गाल के दिया करते मीठे चावल बना के दिया करते सासू इतनी राजी हो जाया करती घी और खंड के चक्कर में बटियों चार दिन भी रुक जाता तो पांच दिन भी रुक जाता वो था ससुराल जाना पूछे एक बार मेरे पगड़ी वाले था उधर से जिस दिन सासू ने घी और खंड नहीं गाली जिस दिन सासू ने घी और खांड नहीं गाली पटे उस समझ जाता कि सासू दापली दे रहे थे सासू दापली दे रहे थे उस दिन अपना चौड़ा उठाता और अपने घर की तरफ यो था बटेहू का जाना और यो थे बटेहू के लाड और बाण बेटी आया करती बाण बेटी जब आया करती तो उसकी अम्मा मोरी गाया करती चलो ए राम स्वरूप की बेटी आई है उसकी अम्मा मोरी गा के आओगे पता चल जाता कि राम स्वरूप की बेटी आई है आजकल पता नहीं चलता राम स्वरूप की बेटी कद आ गई कद चली गई क्यों हर शादी में कार देने लग गए एक घंटे खातर आई भाणी बेटी एक घंटे में वापिस चली गई गाल उसकी अम्मा मोरी और जल्द उल्टी जाया करती बस अड्डे पर चढ़ाया करती टैर बगैर का पानी रहे बस स्टैंड तक मेरी मातृ शक्ति मेरी चाची ताई छोड़ के आया करती उस भाणी बेटी ने पानी का गिलास हाथ में होया करता पानी का गिलास हाथ में होया करता बेटी रोती रहती हु करके बात झूठी रहो सही सच्ची रहो लेकिन रोना रोना पड़ा करता ये समाज के संस्कार थे और जब रोती रहा करती पीछे पीछे चलती रहा करती केवरा इन दाता भी नहीं होगा लेकिन सुनो क्या गाया करती मेरे ताई अरे मेरी जितनी चाची ताई छोड़ दियो ये जितनी भी नौजवान मेरी बहने हैं किस किस नामक भी आज एक बाण बेटी जान लग जा तो भाई हम उसकी विदाई गास का एक हाथ खड़ी करके दिखाओ मन ना होता देख लिया जी मतलब जंगल खाली पड़ा संस्कार यहाँ से खत्म हो रहे हैं जी हमारे संस्कार यहाँ से खत्म हो रहे हैं सिखा के चली जाओ जितनी भी चाची ताई है इन्हें सिखा के चली जाओ नहीं तो थम तो राम जी के घर चली जाओगी और पूरे डीजे बजता रह जाएगा जी चलो मैं सिखा के जाऊंगा आप लोगों को एक बार हाथ उठाओ सारे मैंने सिमा जू एक बार जी ताली बजाओ सारे जी हाथ उठा कर ले अपनी साथनी का तमहन सिमा जू अपनी साथनी का तमहन सिमा जू चुंदर की मारू कट अगर आप लोगों को लगता है और जिस जिसने पहले का जमींदार किया है कि हाँ भाई ऐसा होता था और जी हमारे भाई साहब ने 20 रुपए से लगता है कि जमींदार किया हो भाई साहब को छत्ती में लगी ये बात अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई ऐसा होता था मुकेश भाई ऐसा होता था एक बार तालियों से आशीर्वाद देते नहीं और कुछ नहीं चाहेंगे आखिरी बदलाव में बताया दोस्तों आखिरी बदलाव में बताया कि समय के अनुसार इंसान को बदलना भी जरूरी है ध्यान से सुनने की बात है जी एक एक बात को ध्यान से सुनना कि समय के अनुसार इंसान को बदलना भी जरूरी है क्यों बदलना जरूरी है अगर हम समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारे बच्चे कभी परवरिश नहीं कर सकते अगर ऊंचाइयों को छूना है तो हमें बदलना पड़ेगा जैसा देश वैसा भेष करना पड़ेगा लेकिन इतना नहीं बदलना है कि जेठ तो बड़े भाई साहब हो जाए देवर छठे भाई साहब हो जाए तो घराड़ा भी भाई हो गया जी मानते कि नहीं मेरी इस बात को हालांकि 80% ऐसा होता है जी क्यों जेठ तो जेठ होते हैं देखो
हाँ जी मत बोला करो, जो बोलते हो मत बोला करो जी। जेठ जी होते हैं, देवर जी होते हैं, अपने घरवाले को भाई भाई बोल सकते हो क्या? पापा देखो कितने प्रकार के हो गए समय के अनुसार, बड़े पापा छोटे पापा, और जिसका जो उसका असली बापू उसको पता ही नहीं वो कौन सा पापा है। समय का बदलाव है जी, ये मेरी बातें शायद कड़वी लग रही होंगी आप लोगों को, कहने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है कि बेटा आंखों की शर्म बहुत होती है, अपने ससुर से भी बोलिया कर, अपने जेठ से भी बोलिया कर, और मुंह गाड़ कर आख्या कर, थोड़े दिन बाद में वो आंखें की शर्म नहीं, आंख निकलने लग जाए जेठ की तरफ ससुर की तरफ। नहीं जी आते दया करो, सुन बेटा तेरे जेठ जी है, तेरे ससुर जी हूं रे तक का घूंघट रखा कर, जब जाकर वो धीरे धीरे सरक कर उड़े तक आलेगा, कम से कम इतनी शर्म तो बचेगी। अगर मेरी बात में सच्चाई तो एक बार तालियों से आशीर्वाद दे दी। एक पूजा पाठ करने का ढंग बदल गया, पूजा पाठ करने का ढंग कितना बदला। पहले मेरी ताई जी सोलह सोलह सोमवार करती, और जो ही 16 सोमवार पूरे हो जाते तो शिव जी महाराज के मंदिर में जाती थी, हे भोलेनाथ, हे मेरे शिव शंकर, हे डमरू वाले, मैंने तेरे 16 सोमवार करे हैं, मेरे खातर भी एक अच्छा सा, एक प्यारा सा, एक सुथरा सा बंदना देगी, जब ये दौड़े बाणा वाले मिला करते थे, जब ये पगड़ी वाले मिला करते। 16 सोमवार की करामात है, आजकल आई 1 सोमवार कर राजी नहीं, जब ये चिंटू मिंटू मिले हैं, देखो इनका पता नहीं कद चार्ज हो जाए, कद फ्यूज हो जाए, कुछ भी पता नहीं जी इनका, क्यों बदला कहां पे? पहले 16 सोमवार करके मांगा करती, शिवजी महाराज से मांगा करती, आजकल आलिया ने भगवान बदल दिया, शिवजी महाराज की जगह बालाजी महाराज से मांगने लगी, बताओ ब्रह्मचारी किसने बनना देते थे। तरीका भी बदल दिया, पहले सिर्फ पल्ला गेर का मांगा करती, आजकल कॉलेज में जाती जाती हनुमान जी महाराज तक हाई है, मेरे खातिर देख लिए जद मिले हैं जी। आखिरी बदलाव में क्या बताया थी, क्यों बदली? राम राम होया करती, नमस्ते होया करती, हाय हल्लो चालगी, क्यों चालगी? सिर तह पल्लू सरक लिया या शर्म तार धरती, सिर तह पल्लू सरक लिया या शर्म तार धरती, और पावन गज के दमन की कद झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती। अगर राग ने थोड़ी पसंद आ जाए तालियों से आशीर्वाद। उत्तर दाहा